मेरे हिसाब से मैं आप सभी का स्वागत है। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। आजकल बच्चे, जवान, बूढ़े अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग गेम्स खेल रहे हैं। कोई फिट रहने के लिए खेल रहा है, कोई प्रोफेशनली खेल रहा है। तो आज का हमारा यह वीडियो है उन लोगों के लिए जो बैडमिंटन खेल रहे हैं। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बैडमिंटन खेल रहे हैं, चाहे प्रोफेशनली या फिट रहने के लिए, पर उनके पास कोई प्रोफेशनल कोच नहीं है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर भी करिए। मैं कोई बैडमिंटन का चैंपियन या तो कोई प्रोफेशनल कोच नहीं हूं, पर हाल ही में मैंने देखा कि कितने सारे लोग जिनके पास प्रोफेशनल कोच नहीं है बैडमिंटन खेल रहे हैं, उनको बेसिक फंडामेंटल रूल्स जो मालूम होने चाहिए वो नहीं है, और उनकी वजह से उनको कितनी सारी तकलीफें हो रही है। जैसे आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपके बॉडी को आदत नहीं होती, और यदि आप फ्रेश स्टार्टर है तो 3-4 दिन या मैक्सिमम 1 वीक तक आपको बॉडी पेन रहेगा। पर कितने सारे लोग मुझे बैडमिंटन खेलते हुए ऐसे मिले कि 4-4, 5-5, 6-6 महीने से बैडमिंटन खेल रहे हैं, और उनको या तो अगर वो राइटी है तो राइट शोल्डर या ट्राइसेप ले लीजिए, या तो एल्बो या फोर आर्म या रिस्ट, इसका पेन रह रहा है, और उनके शॉट्स में इतना पावर भी नहीं होता, और ये पेन की वजह से वो आगे खेल कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। या तो उनको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत पड़ रही है या तो फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ रही है। यदि आपको पेन है तो आप बेशक डॉक्टर को कांटेक्ट करिए या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, पर मेरे हिसाब से एक बार जो मैं कह रहा हूं उस पर गौर से ध्यान दीजिएगा कि यदि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सही शॉट गलत ग्रिप से खेल रहे हो। बैडमिंटन में जिस प्रकार से हम लोग रैकेट पकड़ते हैं उसको हम लोग ग्रिप बोलते हैं, हैंड ग्रिप। बैडमिंटन में टोटल 4 प्रकार की ग्रिप्स होती है, यानी हम हैंडल को पकड़ते हैं, अलग अलग शॉट खेलते टाइम हम लोग अलग अलग ग्रिप्स का यूज करते हैं। यदि आपने गलत ग्रिप से शॉट खेल लिया तो श्योर है कि आपको पेन होगा, और वो पेन इतना ज्यादा हो सकता है कि शायद आपको एक्सरे या सोनोग्राफी कराने की जरूरत पड़ सकती है। ये है लूज ग्रिप। जैसे हमारे पास कोई शटल नहीं होता, हम खेलने के लिए तैयार है, तब जिस तरह से हम लोग रैकेट पकड़ते हैं तो उसको बोलते हैं लूज ग्रिप, यानी फ्री ग्रिप। अब ये है फॉरहैंड ग्रिप या अपर हैंड ग्रिप, जिसे हम लोग वी ग्रिप भी बोलते हैं। उंगली और थंब के बीच में वी बनता है और बाकी की 3 उंगलियां रैकेट को पकड़ने के काम आती है। ये नॉर्मली हम लोग अपर हैंड खेलने के लिए या फॉरहैंड खेलने के लिए या इवन हिट मारने के लिए यूज करते हैं। ये है बैकहैंड ग्रिप। अंगूठे से रैकेट की ग्रिप को इस तरीके से दबाना है जैसे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे हम लोग किचन में कोई कुकर या फ्राइंग पैन उठाते हैं। और ये यदि आप राइटी है
तो यदि आपके शटल ऑपोजिट साइड आता है यानी लेफ्ट साइड आता है तो बैकहेंड खेलने के काम आती है। और ये है अपर बैकहेंड ग्रिप, यानी जब आप बैकहेंड ऊपर से खेलते हैं तो आपको सिर्फ रैकेट का एंगल थोड़ा चेंज करना है ताकि आप जब भी ऐसे खेले तो आपका रैकेट सामने के कोर्ट की तरफ फेसिंग हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।